का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में महापर्व छठ की शुरुआत महज कल से होने वाली है और इसको लेकर तमाम घाटों पे जो है तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। और हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री और तमाम प्रशासन अधिकारियों के द्वारा, नगर निगम के द्वारा घाट की क्या तैयारियाँ, इसकी क्या व्यवस्था है, इसके निरीक्षण जो है लगातार किए जा रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं पटना के गाय घाट पर। तो यहाँ की क्या व्यवस्था है छठ पूजा को लेकर, किस तरीके से श्रद्धालुओं को सहूलियत दी जाएगी, किस तरीके से उन्हें व्यवस्था, क्या क्या चीज़ें हैं, आप जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं बता सकते हैं कि यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए तमाम बार्केडिंग की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु हैं वो एक दायरे में ही सीमित रहे, इससे आगे ना बढ़े, उनके सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ चेंजिंग रूम से लेकर बाथरूम की सारी व्यवस्था की गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग भी यहाँ कुछ कार्य में लगे हुए हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग से भी हम बात करेंगे, यहाँ जो तमाम जो भी काम चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और तमाम जो भी सुविधाएँ हैं, जो भी तमाम चीज़ें की गई हैं छठ पूजा को लेकर, ये तमाम चीज़ें हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। मुझे आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कहाँ से हैं? हम गाड़ी वाले हैं, बाहर से। बाहर से आज यहाँ पर घाट पर आए, छठ पूजा हो रहा है आपके घर? हाँ, हम लोग के घर। तो कहाँ के रहने वाले ये बताइए? हम लोग वैशाली के रहने वाले। वैशाली, तो छठ पूजा वैशाली में मनाएंगे या फिर पटना में? ना, वैशाली में मनाएंगे। वैशाली में, तो यहाँ पर आज आप ऐसे ही स्नान करने आए हैं? ना, गाड़ी है, आए पुल का सामान लेकर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपको तो यहाँ के बारे में जानकारी नहीं होगी, चलिए हम कुछ और भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? सनु शर्मा। यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार शरीफ का। बिहार शरीफ के। तो यहाँ छठ पूजा कहाँ होने वाला, पटना में या फिर बिहार शरीफ में? अच्छा, यहाँ का व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी है? व्यवस्था तो बहुत अच्छा हम देख रहे हैं। अच्छा दिख रहा है कि सारी चीज़ की जो व्यवस्था है जो लोगों के होनी चाहिए? हाँ हाँ, नहीं सही है, सब सही है, उस समय दिक्कत नहीं है और यही देखने के लिए हम आए सफर के। अच्छा, ये आप व्यवस्था देखने स्पेशली आए हैं? हाँ। तो क्या व्यवस्था को देख के लग रहा है कि आप पटना में मनाना चाहिए छठ पूजा? हाँ, बात सही कर रहे हैं, ये भी अच्छी लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छी बात है पटना में भी। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं और बात जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है व्यवस्था को लेकर घाट के, किस तरीके से तैयारियां की गई है छठ पूजा को लेकर। आइए, कुछ यहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तो इसको मतलब किस व्यवस्था में यहां पे आप लोग ये बना रही हैं वीडियो? किस, कोई तरीका नहीं है चिल्ला के। हाँ। हम बहुत आराम से पूछ रहे हैं। नहीं, आप जो व्यवस्था के बारे में बता रही हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं? ऐसे है और हाँ, एक 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 सेकंड एक सेकंड, हमने कब बोला कि गंदगी, हम यहाँ के स्थानीय लोग से जानने की कोशिश पूछ रहे थे। तो स्थानीय लोग यहाँ पे इतने हैं? हाँ, तो एक सेकंड, हाँ तो स्थानीय लोग से ही हम बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आपका कि किस तरीके से बात किया जाता है? आपको रूली तो नहीं बोले? आवाज अच्छा, तो फिर मेरा भी आवाज यही है, तो बात कीजिए, ऐसी बात कीजिए, यही कीजिए। मैंने क्या बोला आपको? मैं भी तो ऐसी बात कर रहा हूं। आप अधिकारी है ना, तो आपको नहीं पता कि अधिकारी को एक रिपोर्टर से किस तरीके से पेश आना चाहिए? ठीक है, आप अपना बात कीजिए, यहाँ के स्थानीय लोग से आप अपना बात कीजिए, पूछ लीजिए। आपको निरीक्षण का मतलब क्या होता? निरीक्षण का मतलब क्या होता है? हमको जो चीज दिख रहा है हम उस चीज के बात कर रहे हैं, और हमने कोई गंदगी का स्पेशली जिक्र नहीं किया, यहाँ के लोग क्या पूछ रहे हैं? आप बताइए उस पे आप खुलासा। नहीं, गंदगी है कि ये चीज देखिए, ये चीज साफ है, वो आपका काम है बताना, मेरा तो क्रॉस। तो आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया ना आपको कि नहीं दिया जवाब? हाँ, तो आप जवाब देने का तरीका बदल लीजिए। तरीका क्या बदले मैडम, सुबह से आदमी खटता है यहाँ, ठीक है? चलिए भैया, बहस करना, तो काम कीजिए ना, मेरा भी, हम भी सुबह से खटे, हम भी काम कर रहे हैं, अभी अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको यहाँ के निरीक्षण के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ तैयारियाँ हैं, तमाम चीज़ें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, वहीं पर अभी आपको यहाँ पेयजल की सुविधा भी लोगों को दी जा रही है। यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे जान लेते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ काम। क्या नाम हो आपका? मेरा सौरव कुमार। मुझे ये बताइए, यहाँ क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं छठ पूजा को? छठ महापर्व का है, PhD से जल नल योजना का। तो यहाँ क्या क्या तैयारियाँ, क्या क्या सुविधाओं श्रद्धालुओं को दी जाएगी? बाथरूम है, कपड़ा चेंजिंग के लिए है, जल का है। अच्छा, ये बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल मुझे यहाँ की व्यवस्था देख के दिख रही है, यहाँ का कचरा अभी तक साफ नहीं हुआ है, और कितने एरिया में छठ पूजा किया जाएगा, क्योंकि बिहार में बहुत बड़े लेवल पर छठ पूजा मनाया जाता है?
और साफ सफाई मुझे बहुत कम एरिया में दिख रही है। तो नहीं, यहाँ तो यहाँ यहाँ तक है फिलहाल, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक है। और आगे की क्या व्यवस्था है? तो पूरा गंदा दलदल दिख रहा है, इसको एक कर दिया जाएगा, साफ सफाई बराबर जी कल तक सब काम। अच्छा, मतलब एरिया कितना कवर हो रहा है, कितने एरिया तक होगा? क्योंकि आगे जो है शायद बदर घाट आ जाता है ना। जी हाँ, वहाँ की क्या व्यवस्था है? वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ का हम वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप काम कर रहे तो आपको पता होगा, तो उसके बारे में मुझे जानकारी दे दीजिए। क्या बोलिए कि मतलब यहाँ की क्या व्यवस्था है? ये तो कल तक आपने बोला सही हो जाएगा, और कितना एरिया कवर होगा क्या? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो बहुत सारे एरिया कंस्ट्रक्शन में भी चले गए हैं, और जितनी भीड़ हो जाती है ये आपको भी पता और हमें भी पता है। तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था होगी, उसको लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बहुत सारे घाट हैं, यहाँ बगल में भी हैं, उधर भी हैं, तो जहाँ एडजस्ट हो जाएंगे वहाँ लोग ये होंगे। अच्छा, बारगेनिंग और नहीं लगता कि बढ़ाना चाहिए, मतलब एरिया और कवर करना चाहिए? और तो ऐसा कोई जगह है नहीं बढ़ाने का, इधर दलदल ही है, देख सकते हैं। तो उधर यहाँ छठ पूजा नहीं होना है? नहीं नहीं, होगा तो इधर होगा ना। अच्छा, इधर होगा, उधर तो दलदल है। अच्छा, मतलब पेयजल से लेके चेंजिंग रूम से लेके वॉशरूम से लेकर हर व्यवस्था है जी, जी। महिलाओं के लिए और बाकी सभी को। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हमारी मौजूदगी थी पटना के गायघाट के पास, यहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियाँ की गई है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी। यहाँ के जो भी पदाधिकारी, जो भी लोग यहाँ काम कर रहे थे, जो भी सुविधाएँ दे रहे थे, उनसे भी जानने की कोशिश की। यहाँ के जो स्थानीय लोग से, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ काम किया जा रहा है। वहीं आपको हम फिर से एक वीडियो में जिक्र करना चाहेंगे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ पर एक पटना नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ काम किया जा रहा है। उनका जिस तरीके से रवैया था, जिस तरीके से बात करने का तरीका था, कि एक अधिकारी होने के बावजूद भी उन्हें यह नहीं पता है कि किस तरीके से रिपोर्टर से पेश आते हैं, अगर कोई जानकारी लेने आती है तो किस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, कितनी शालीनता से बात करनी चाहिए, ये तो आपको वीडियो के माध्यम से आप जरूर देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस पर मुझे ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत है। और इस पर तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपनी जो भी कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, और स्पेशली मैं फिर से मेंशन करना चाह रही हूँ, जो अधिकारी का जिस तरीके से बात करने का तरीका था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे भारत 24/7 के साथ, और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।